अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से, यही हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो हम आप लोगों के वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो वीडियो हमारी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, और उससे पहले जो है वो मैं देखना चाह रहा था कि मॉनिटरिंग पॉलिसी नेक्स्ट अप है, और ये नेक्स्ट मॉनिटरिंग पॉलिसी है जनाब 12 दिसंबर 2023 को, ठीक है। तो ये आप लोग भी नोट कर लें, क्योंकि जो आपके मॉनिटरिंग पॉलिसी में जो रेट चेंज होता है इंटरेस्ट रेट का, ये डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है नेशनल सेविंग के प्रॉफिट रेट पर और प्राइवेट बैंकों के प्रॉफिट रेट पर। तो बहरहाल 12 दिसंबर यानी कि अगले महीने जो है, आज ही के दिन जो है वो मॉनिटरिंग पॉलिसी के अनाउंसमेंट है। बहरहाल वीडियो की तरफ वापस आते हैं जनाब, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड आज के हमारे वीडियो। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट नेशनल सेविंग की सबसे कामयाब तरीन प्रोडक्ट है, जिसमें लोग 70% तक जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, अच्छा, 30 अक्टूबर 2023 को जो है, यानी कि तकरीबन आज से 12-13 दिन 14 दिन पहले हुआ ये कि नेशनल सेविंग ने सर्कुलर इशू किया, जिसमें बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट कम हुआ और जिसमें तकरीबन 20 रुपये की कमी वाक़ा हुई, मतलब 20 रुपये कम कर दिया। पहले 1380 का प्रॉफिट था, अब 1380 हो गया, ठीक है। अच्छा, मार्केट में जो इस वक्त खबरें हैं वो क्या है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे में कमी से NSE को बहुत नुकसान हुआ। NSE ने बहबूद के मुनाफे में ज़बरदस्त इजाफा कर दिया है, ठीक है, ये न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इस वक्त मार्केट में जो बहुत ज़्यादा टॉप न्यूज़ है वो जो चल रही है, जो हर चैनल वाले अपडेट भी कर रहे हैं और सोशल मीडिया छाया हुआ है, कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे में कमी से NSE को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और NSE ने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में फौरी तौर पर मुनाफे में ज़बरदस्त इजाफा कर दिया है। मतलब ये कि 20 रुपये जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कम हुआ था, उससे नेशनल सेविंग को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और नेशनल सेविंग ने बहुत फौरी तौर पे जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे में बड़ा ज़बरदस्त इजाफा कर दिया। ये इस वक्त न्यूज़ है, करंटली बहुत ज़्यादा फेमस है, सोशल मीडिया पे छाई हुई है, बहुत से चैनल्स ने, जैसे हम बैंकों पे वीडियोस बनाते हैं, हम तो नेशनल सेविंग भी बनाते हैं, प्राइवेट बैंकों के बारे में भी बताते हैं, हम गवर्नमेंट के बैंकों से रिलेटेड भी वीडियो बनाते हैं, हम बॉन्ड से रिलेटेड भी वीडियो बना रहे होते हैं, ठीक है, हम माइक्रो फाइनेंस बैंक से रिलेटेड भी वीडियो बनाते हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी के हम रिलेटेड वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है उसमें, हमने कोशिश की थी इंश्योरेंस कंपनी से, लेकिन मसला ये है कि मैं जब आपसे कहता हूँ कि HBL आपको इतना प्रॉफिट देगा, तो हर महीने आपको इतना प्रॉफिट मिलना होता है, इंश्योरेंस कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन आप पूरी नहीं कर सकते। आप 10 लाख का ले 5 साल के लिए, और वो आपसे कहेंगे 5 साल बाद आपके 15 लाख रुपये हो जाएंगे, जब आप लेने जाते हैं तो आपने ये किया, आपने ये किया, आपने ये किया, इसकी वजह से चार्जेस कटे, इसकी वजह से चार्जेस, इसके आपको 15 लाख मिले थे, अब 11 लाख रुपये मिलेंगे। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हमारे समझ से बाहर है, इंश्योरेंस पर हम नहीं बनाते वीडियो, हम माइक्रो फाइनेंस बैंक भी बनाते हैं, प्राइवेट बैंक को भी बनाते हैं, गवर्नमेंट बैंक को भी बनाते हैं, नेशनल सेविंग पे भी बनाते हैं, हम बॉन्ड्स पे भी वीडियो बनाते हैं। बहरहाल बात कही और निकल रही है, तो जनाब जो अपडेट थी नेशनल सेविंग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से, वो हम आप लोगों को बता दिया है कि 20 रुपये कमी को लोगों ने बहुत क्या कि नेशनल सेविंग पे बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और लोग जो है नेशनल सेविंग में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, पैसे निकलवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेशनल सेविंग वाले बुखलाहट का शिकार हो गए, और फौरी तौर पर इमीजिएटली बेसिस पे जो है वो नेशनल सेविंग ने जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इजाफे का कह दिया है, नोटिफिकेशन आने वाले 15 तारीख से जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट में इजाफा होने वाला, और इजाफा नहीं, बहुत ज़बरदस्त इजाफा होने वाला है, ताकि लोग जो है वो नेशनल सेविंग दोबारा इन्वेस्टमेंट करें, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में दोबारा इन्वेस्ट करें। टोटली फेक न्यूज़ है ये, जो न्यूज़ है जो मार्केट में गर्दिश कर रही है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे में बड़ा ज़बरदस्त इजाफा होने वाला, और कोई कह रहा है 15 नवंबर को हो जाएगा, कोई 20 नवंबर की डेट दे रहा है, कोई 25 नवंबर की डेट दे रहा है, कोई इस महीने के आखिर में दे रहा है, कोई कह रहा है 1 दिसंबर से ही हो जाएगा, ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे में इजाफे से रिलेटेड या कमी से रिलेटेड, कमी की भी कोई नहीं हो, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे में इंक्रीज़ के हवाले से भी कोई न्यूज़ नहीं है। हाँ, हमने कल एक वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने आप लोगों को बताया था जो फैक्ट है, जिसकी हमने कन्फर्मेशन ली कि नेशनल सेविंग ये कह रहा है कि उसकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं
उन तमाम प्रोडक्ट्स में लोग इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं कि हर बंदा ये कोशिश कर रहा था कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करें। नेशनल सेविंग की कोशिश ये कि लोग नेशनल सेविंग नेशनल नेशनल सेविंग की जो स्कीम है, नेशनल सेविंग स्कीम है, नेशनल सेविंग ओनली सेविंग अकाउंट, उसमें भी इन्वेस्टमेंट करें। सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में भी इन्वेस्टमेंट करें जिसमें बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह जितनी प्रोडक्ट है उन सब में इन्वेस्टमेंट है। यही वजह है कि नेशनल सेविंग की जो प्रोडक्ट्स में लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका प्रॉफिट इन्होंने बहुत ही हल्का सा कम किया, और जिनमें कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वीडियो में हमने मेंशन किया था, एक ही चीज़ आपको बताया था, जिनमें लोग कम इंटरेस्ट रखते हैं, जिन प्रोडक्ट्स में कम इन्वेस्टमेंट करते हैं नेशनल सेविंग, उन सबका अच्छा खासा प्रॉफिट रेट 30 अक्टूबर 2023 के सर्कुलर में नेशनल सेविंग वालों ने इंक्रीज कर दिया, जो ये फैक्ट है। लेकिन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो न्यूज़ें गर्दिश कर रही हैं कि प्रॉफिट बढ़ने वाला है, 15 को सर्कुलर इशू होगा, मीटिंग्स हो गई, 20 को सर्कुलर इशू होगा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट में ज़बरदस्त इजाफा होने वाला है, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं। ऐसी किसी न्यूज़ पर कान ना धरें आप, ठीक है, कुछ भी नहीं ऐसा। इवन मैं आपको दिखा दूँ, मॉनिटरिंग पॉलिसी जो है उसकी अनाउंसमेंट है वो जनाब 12 दिसंबर 2023। मुझे नहीं लगता इससे पहले, जब तक नेक्स्ट मॉनिटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट नहीं होती, इससे पहले जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट में इंक्रीज के हवाले से या डिक्रीज के हवाले से कोई भी न्यूज़ आएगी आएगी तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। कोई मीटिंग कॉल भी होती तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। फेक न्यूज़ पर कान ना धरें आप, बिल्कुल ना धरे के, और बिल्कुल भी ये नहीं कि आप इधर उधर लोगों के पास भाग रहे हैं, मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं कि जो है बहबूद की क्या अपडेट है, कब से बढ़ रहा है और कितने प्रॉफिट कितना हो रहा है। 20 रुपये बढ़ा था तो सुना है, 200 रुपये 1360 से जो है वो 1560 होने वाला है। ऐसी कोई न्यूज़ नहीं, किसी फेक न्यूज़ पर कान ना धरे। तो यह थी आज की हमारी वीडियो। हमने सोचा था बहुत शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद ये भी थोड़ी सी वीडियो 5-6 मिनट की बन गई। बहरा बहबूद सेविंग से रिलेटेड हमने आपको अपडेट कर दिया, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जब आप लोग वीडियोज बना रहे, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट बैंकों से रिलेटेड हो, प्राइस बॉन्ड से रिलेटेड हो, या माइक्रो फाइनेंस बैंक से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।